वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानना चाहते थे कि मेरा टाइपिंग कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, तो इसका मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। बट मैं यहाँ पर अब आज श्योरली इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और वो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आप लोगों को वो मिल भी जाएगा कि वहाँ पर टाइपिंग कैसे हुआ, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, बैच कितने का बना, कितने लोग क्वालिफाई हुए। फिलहाल मैं एक बार यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है PST और मेडिकल से रिलेटेड आपको बताना चाहती हूँ, और कितने हमारे बैच में क्वालिफाई हुए वो भी बताऊँगी इस वीडियो में। लेकिन अब मेरा जो वीडियो आएगा जिसमें टाइपिंग कितना की स्ट्रोक है, कौन सा कीबोर्ड मिल रहा है और कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगी जो वहाँ पे हुई हैं, कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे, क्या चीज़ें आपको नहीं गलत करनी जिससे आप टाइपिंग पास कर पाओ। लेकिन उससे पहले खुशखबरी बता दूँ कि यहाँ पर CRPF SCM की सेकेंड लिस्ट आ चुकी है। जिन एस्पिरेंट्स का CBT में फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था वो लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि नॉलेज की इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। अब अपना रोल नंबर वाइज या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू अपने देख सकते हो कि आपका उस लिस्ट में नाम है कि नहीं। उसमें डेट दी हुई है, जिस दिन डेट दी गई है उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो सेंटर दिया वहाँ पर आपको जाना होगा और आपको अपना टाइपिंग देना होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स थे जिनको जिनका CBT में नहीं आया था और वो निराश हो गए थे, और फिर हो सकता है उन्होंने टाइपिंग ना भी करी हो इस बीच, तो वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट देख ले और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका सेकंड लिस्ट भी आ गया और आप लोगों का भी अब टाइपिंग होगा जिसका यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में नाम है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर 65,819 बच्चे पास किए गए थे जो पहला इसका लिस्ट आए थे, लेकिन यहाँ पर लगभग 1,41,000 बच्चे पास हुए हैं सेकंड लिस्ट में। तो मतलब कि जो लिस्ट मिलेगी आपको ये 65,820 से स्टार्ट है। तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर लिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे अपना आप रजिस्ट्रेशन ID या फिर रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पर सर्च कर सकते हो, अपना देख सकते हो नेम अगर है तो। आप फिर बाकी और भी फर्दर वीडियोज़ मेरे चैनल पे देख लेना कि वहाँ पे फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। बट यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर मेरे जो बैच था, जैसे जो मैंने दिया था, बहुत कम बच्चे पास हुए थे, और लगभग मुझे लगता है 142 मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट 142-144 बच्चे ही रहे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे तो वहाँ पर नहीं थे। एक 3 बैचेस हम लोगों के बने थे, और कितना टाइप कितने बच्चे पास हुए हैं वो मैं ऑलरेडी अभी जो वीडियो में आप लोगों को मिलेगा उसमें बताऊंगी पूरा डिटेल। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ फिज़िकल और मेडिकल का, यहाँ पर फिज़िकल में बहुत सारे बच्चे हाइट से बाहर हो रहे हैं, जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे बताया भी है कि उनके अलग अलग सेंटर में भी बहुत कम बच्चे टाइपिंग में पास हो रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चों को कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको सब डिटेल भी पता चल जाएगी। बाकी मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना हाइट के अकॉर्डिंग देख लें कि अगर आपकी इतनी हाइट है, जैसे कि 162.5 सेंटीमीटर है अगर आपकी या 165, तो आप मेल्स जा सकते हो, बाकी फीमेल्स को 155 सेंटीमीटर और बाकी ST को 150 सेंटीमीटर चाहिए होगी। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक दो ने टाइपिंग तो पास किया लेकिन वहाँ पर फिर फिजिकल में आउट हो गए, मतलब क्योंकि फिजिकल में यहाँ पर आपका सिर्फ हाइट वेट फीमेल्स का चेक मेज़र हो रहा है और बाकी मेल्स का हाइट वेट और चेस्ट ये मेज़र हो रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चा तो था वो तो चेस्ट में बाहर हो गया, क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम रही हो मुझे नहीं पता, बट वहाँ पर हाइट के लिए भी 2 एस्पिरेंट्स थे जो बाहर हो चुके थे। तो सपोज़ मान लो अगर किसी सेंटर पे अगर कोई बच्चा टाइपिंग दे रहा है और पास हो रहा है टाइपिंग के बाद, तो पहली बात तो बहुत रेयर है, बहुत कम बच्चे ही पास हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने भी टाइपिंग पास किया लेकिन यहाँ पर बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं टाइपिंग का, लेकिन जो पास हो भी रहे हैं ना उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फिज़िकल आपका टाइपिंग पास होने के बाद भी फिज़िकल में फिर 2 बच्चे हट गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो बचे उनका फिर मेडिकल भी हुआ, मेडिकल में अभी मेडिकल चल भी रहा है, मैं जल्द से जल्द आपको अपडेट करूँगी यहाँ पे मेडिकल हो जाने के बाद। लेकिन मैं ये डिटेल आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल में यहाँ पे हर चीज़ मेज़र हो रही है, आई साइड जैसे कि 6x6, 6x9, ठीक है, एक आँख को बंद कराकर पहले लेटर्स पढ़ाएंगे, फिर दूसरी आँख को बंद कराकर, मतलब एक बार में एक आँख बंद कराएंगे, और फिर यहाँ पर आपका पूरा बॉडी एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा, बाकी आपका ब्लड का, ये सारे ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद बॉयज़ का हाइड्रोसिल का हो रहा है, तो एक को रीमेडिकल मिल गया, आई थिंक हाइड्रोसिल की उसको प्रॉब्लम थी तो उसको रीमेडिकल मिल गया है। तो यहाँ पर रीमेडिकल का टाइम दे रहा है, ये ऑफिसर पर डिपेंड कर रहा है कि उसको कैसी क्या क्या दिक्कत है जिसकी वजह से वो उनको रीमेडिकल का चांस दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर 2 ऐसे भी एस्पिरेंट्स अभी तक सामने आए हैं जिनको वेट की वजह से भी रीमेडिकल दिया गया, तो जिसका वेट अंडर वेट है या ओवर वेट, वो घबराए नहीं, यहाँ पर रीमेडिकल ये भी कुछ को चांसेस मिल रहे हैं। तो रीमेडिकल का लेकर बहुत सारा डाउट था लोगों को, तो यहाँ पर कुछ लोगों को रीमेडिकल भी मिल रहा है।
मकोमा घाट का कि वहाँ पर 16 टाइपिंग क्वालिफाई किए थे और 14 पीएसटी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से फाइनल जो मेडिकल का क्वालिफाई करके 11 कैंडिडेट्स बचे थे। इस तरीके से कल अलग अलग सेंटर का बच्चे इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। बाकी वहाँ पर मकोबा घाट में 140 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे जो कि टाइपिंग दे रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका डाउट आ रहा है। बाकी अलग अलग सेंटर में जो जो कीबोर्ड मिल रहा है उसका एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछना, आपको बता दूंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबराहट की वजह से भी टाइपिंग पास नहीं कर पा रहे हैं। बट मेनली आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल कामली पैरों को बहुत अच्छे से टाइप करना है। बाकी उससे रिलेटेड क्या स्पेस बार में दिक्कत हो रही है, कैसे आप लोग किस एरर्स काउंट हो रही है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि डबल स्पेस वाली भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलतियाँ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे फिजिकल को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है कुछ दिन में, तो उसका रीमेडिकल का चांस मिल रहा है, और जब वो रीमेडिकल के लिए आपको बुलाएंगे तब आपको जाना होगा उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप मेडिकल का डीपली वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।